मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। सुबह तड़के जिले की कुंदर की पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश खेतों की तरफ छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। पुलिस अधिकारियों ने छिपे बैठे तीन बदमाशों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने भी बदमाशों पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक बदमाश भागने में सफल हो गया, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान मतीन और रईस नाम के बदमाश के रूप में हुई, जबकि फरार बदमाश अमजद है। मतीन जिले का नंबर वन कुख्यात बदमाश है, जिसकी गिनती जिले के टॉप बदमाशों में होती है। मतीन जिले भर में 53 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उस पर 25,000 का इनाम भी मुरादाबाद पुलिस की तरफ से रखा गया है। न्यूज फ्रीडम के लिए मुरादाबाद की तहसील बिलारी से अमित कुमार की रिपोर्ट। ये मंडल का नंबर वन बदमाश है, फिर उसका कुछ नहीं दिख रहा और आप बहुत सर कौन बदमाश है? आज सुबह कुंदरकी थाना क्षेत्र में बहजोड़ रोड पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जो हिस्ट्री सीटर है और 53 मुकदमों के आपराधिक इतिहास का है, बिलारी से कोर्ट के अस्थाई वारंट में भी फरार चल रहा है और थाना कुंदरकी क्षेत्र में हुई हाउस राबरी सेखीपुर गांव में उसमें वांछित चल रहा है। ये मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में यहां भर्ती किया गया है और इसका एक साथी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य साथी फरार चल रहा है जिसकी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। सर कितना इस पे इनाम भी बताया जा रहा है? कुछ इनाम भी है 25,000 का। इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।